गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट सिक्स सम ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट बतानी है रैशनल नंबर की। तो हमारे पास सिक्स में फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, -14/15 -5/24। तो इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, -14/15 -5/24। अब हम क्या करते हैं कि एक मेथड होता है कि हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख लें आंसर, बट देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में 15 है, 24 है। इसे मल्टीप्लाई करने में हमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है बिग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, पहले रिड्यूस करते हैं। -14/15 × 5/24 इसे हम कैंसिल करते हैं टेबल्स पे। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हम कैंसिल कैसे करते हैं, जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई में एक दूसरे के अपोजिट हों। ये नहीं है कि आप ये 14 और 5 को कैंसिल कर सकते, नहीं। कैसे कैंसिल करते हैं, अपोजिट साइड को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकते, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करते हैं। और ये एक ही टेबल पे दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। ठीक है, अब देखो ये 14 और 24 कौन से टेबल में हमारे पास आते हैं, एक टेबल पे। तो वो क्या, कौन सा टेबल है, 2। तो जब 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, 12, और 2 × 7 = 14। अब हमारे पास देखो यहाँ बचा 7, 3 और 12। 7 और 3 दोनों एक टेबल पे नहीं आते, इट मीन्स कैंसिल नहीं हो सकते। 7 और 12 ये भी दोनों एक टेबल पे नहीं आते, तो इट मीन्स ये भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या बचा, -7/3 × 1/12। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट न्यूमिनेटर सेकंड न्यूमिनेटर -7/1 / फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई सेकंड डिनोमिनेटर। तो 7 × 1 = 7 प्लस माइनस क्या होगी हमारी, -12 × 3 = 36। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 3/7 × -4/9 × 1/2। अब ये हमारे पास क्या है, थ्री टर्म्स है। इसे हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई सेकंड न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई थर्ड न्यूमिनेटर डिवाइड फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई सेकंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई थर्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फिर अब हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो 3 × 3 = 9 एक टेबल पे कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 × 2 = 4। तो अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही टेबल पे कैंसिल हो, तो हमारे पास क्या बचा, -2 × 1 = 7 × 3। तो -2 × 2 = 2 प्लस माइनस क्या होगी हमारी, -7 × 3 = 21। अब हमारे पास सेवन्थ पार्ट क्या है, फाइंड द क्वोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या बताना है, क्वोशेंट बताना है हमारे पास क्या आएगा। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 9/10 / 1/5 सेवन्थ का ए पार्ट। तो लास्ट हमने पढ़ा था हम डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। और जो डिवाइड के बाद वाली टर्म होती है वो हमारी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5। रेसिप्रोकल मींस उल्टा, न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है। तो क्या आएगा, 5 × 5 = 10 9/2 हमारा क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया। क्या आ गया हमारा, क्वोशेंट आ गया। बी पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, -6/7 / 4/14। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, -6/7 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, ये हमारी
टर्म क्या होगी रेसिप्रोकल, उल्टी हो जाएगी 14/4। तो 7 2 14, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का 3, माइनस 3 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये बाकी पार्ट्स जैसे इसमें दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 4/3। अब हमें क्या करना है, 1/2 and 4/3 के बीच में जो हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं उन्हें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लो पहले। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2 3, 3 1 3, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 3 6 आ गया। अब हमने फर्स्ट टर्म रैशनल नंबर उठाया 1/2, इसका एलसीएम मुझे 6 बनाना है, डिनोमिनेटर मुझे 6 बनाना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, क्योंकि 2 3 6 होता तो 3 1 3, 2 3 6। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर उठाया 4/3, अब इसका डिनोमिनेटर भी मुझे 6 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 और 3 2 6। अब क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, एलसीएम हमारा 6 था दोनों का, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए, और न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, अलग अलग है। तो इट मीन्स जो भी नंबर्स आएंगे वो किसके बीच बीच में आएंगे, 3 और 8 के बीच बीच में, किसके, 3 और 8 के। तो 3 के बाद हमारे पास क्या आता है, 4/6, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, और 4 के बाद क्या आता है, 5/6। तो ये हमारे 2 रैशनल नंबर आ गए, किसके बिटवीन, 1/2 and 4/3। इसका सोल्यूशन कोई और भी हो सकता है, जैसे हम 5 के बाद क्या आता है, 6/6 भी लिख सकते हैं, 7/6 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/2। अब ये हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स है, इसे हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई सेकंड न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई थर्ड न्यूमिनेटर डिवाइड फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई सेकंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई थर्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फिर अब हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में, तो 3 3 9, एक टेबल पे कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 2 4, तो अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही टेबल पे कैंसिल हो, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2 × 1, 7 × 3, तो माइनस 2 2 1 2, प्लस माइनस क्या होगी हमारी, माइनस 7 3 21। अब हमारे पास 7th पार्ट क्या है, फाइंड द क्वोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या बताना है, क्वोशेंट बताना है हमारे पास क्या आएगा। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 9/10 / 1/5, 7th का ए पार्ट। तो लास्ट हमने पढ़ा था हम डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद वाली टर्म होती है वो हमारी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है, तो क्या आएगा, 5 1 5, 5 2 10, 9/2, 9/2 हमारा क्या आ गया, क्वेश्चनट आ गया, क्या आ गया हमारा, क्वेश्चनट आ गया। बी पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 6/7 / 4/14, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, माइनस का 6/7, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, ये हमारी टर्म क्या होगी, रेसिप्रोकल, उल्टी हो जाएगी 14/4। तो 7 2 14, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का 3, माइनस 3 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये बाकी पार्ट्स जैसे इसमें दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 4/3। अब हमें क्या करना है, 1/2 and
हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं उन्हें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लो पहले। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 1 2 3 3 1 3। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 3 6 आ गया। अब हमने फर्स्ट टर्म रैशनल नंबर उठाया 1/2, इसका एलसीएम मुझे 6 बनाना है, डिनोमिनेटर मुझे 6 बनाना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, क्योंकि 2 3 6 होता तो 3 1 3 2 3 6। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर उठाया 4/3, अब इसका डिनोमिनेटर भी मुझे 6 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 और 3 2 6। अब क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, एलसीएम हमारा 6 था दोनों का, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए, और न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, अलग अलग है। तो इट मीन्स जो भी नंबर्स आएंगे वो किसके बीच बीच में आएंगे, 3 और 8 के बीच बीच में, किसके, 3 और 8 के। तो 3 के बाद हमारे पास क्या आता है, 4/6, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, और 4 के बाद क्या आता है, 5/6। तो ये हमारे 2 रैशनल नंबर आ गए, किसके बिटवीन, 1/2 एंड 4/3। इसका सॉल्यूशन कोई और भी हो सकता है, जैसे हम 5 के बाद क्या आता है, 6/6 भी लिख सकते हैं, 7/6 भी लिख सकते हैं।